यदा संहरते चायं कुर्मोंगानि वसर्वशः इन्द्रियाणे इन्द्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज बुधवार है और आज के कार्यक्रम में बताने वाला हूँ वर्ण दोष का परिहार क्या होता है। अगर आपने कुंडली मिलाई अपनी, लड़का और लड़की की कुंडली मिलाई गई और उसमें वर्ण दोष उत्पन्न होता है तो उसमें हमें कौन सी चीज़ देख लेनी चाहिए, आज के कार्यक्रम में प्रमुख बिंदु यही रहने वाला है। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बताऊंगा, तो कहीं जाइएगा मत, बन करके रहिएगा। पिछले दो दिनों में क्या बताया है वो भी बताऊंगा, तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं, ध्यान से समझिएगा, और कहीं इधर उधर अगर नजर जो दौड़ी आपकी तो ये विषय छूट जाएगा। और एक बात बता दूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसके ही आधार पर अष्टकूट मिलान की सारणी की शुरुआत होती है। देखना क्या है, साधारण तरीके से अगर आपने अपने आप को ये देख लिया है पहले कि आप किस वर्ण के हैं, मतलब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 1, 5 और 9 में बैठे हैं तो आप क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत हैं। अगर 2, 6 और 10 में चंद्रमा बैठे हैं तो आप वैश्य वर्ण के अंतर्गत हैं। अगर 3, 7 और 11 में बैठे हैं तो आप शूद्र वर्ण के अंतर्गत हैं। और अगर 4, 8 और 12 में चंद्रमा बैठे हैं, इसका मतलब है कि आप ब्राह्मण वर्ण के हैं। पिछले दिन के कार्यक्रम में मैंने मिलान बताया था कि किस वर्ण के जातक का या किस वर्ण के लड़के का विवाह किस वर्ण की लड़की से हो सकता है। आज के कार्यक्रम में उसका परिहार बताने वाला हूं, जैसा कि मैंने बताया है। तो वो परिहार क्या है, मतलब उसकी काट क्या है, कैसे हम अगर देख लेते हैं। ये शर्त यही है एक, और वो शर्त यही है कि किसी भी स्थिति में जातक के वर्ण के जो अधिपति हो या जातक का वर्ण जो हो वो ऊंचा हो, बस इतनी सी बात है। और जातिका का जो वर्ण हो वो उससे नीचा हो या क्रमशः बराबर हो, हीन हो जातिका, जातक उच्च हो, बस इतनी सी बात याद रखनी है। वो चाहे कैसे भी हो जाए। अब जैसे मान लीजिए ये वर्ण की कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर की राशि में बैठे हैं, क्लियर है, यानी कि ये जातक कौन से वर्ण का हुआ, सबसे पहले ये पता लगाया, तो 2 नंबर देखिए, ये जातक वैश्य वर्ण का हुआ, क्लियर है। कन्या की कुंडली में मैंने देखा कि चंद्रमा 1 नंबर की राशि में बैठे हैं, यानी कि कन्या किस वर्ण की हो गई, 1 नंबर होता है क्षत्रिय वर्ण, यानी कि जातक वैश्य और जातिका क्षत्रिय। तो जरा गौर करिए, तो अब इन दोनों को हम देख रहे हैं तो यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जातक जो है वो वैश्य का हो रहा है जो कि क्षत्रिय से नीचा होता है, हीन है ना। क्षत्रिय सेकंड स्टेप पे आता है, पहले श्रेष्ठ होता है ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य होते हैं और चौथे पे शूद्र होते हैं। पर यहां पे जब वर्ण मिलान किया जा रहा है तो जातिका जो है वो क्षत्रिय हो जा रही है और जातक जो है वो वैश्य हो जा रहा है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब यहां पे विवाह कटना नहीं चाहिए, इसको बचाना है, तो कैसे बचाएंगे, अब देखना क्या है। तो श्रेष्ठ जो ज्योतिषी होते हैं उसको थोड़ा सा परिहार में भी देख लेते हैं, कि परिहार अब बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, कि जो वर की कुंडली में राशि के अधिपति जो हैं, यानी कि वृषभ राशि के अधिपति कौन, शुक्र, क्या वो कन्या की राशि के अधिपति से, एक बार फिर से बता देता हूं, परिहार ये कहता है कि वर की कुंडली में जो राशि के अधिपति हैं, क्या वो कन्या की कुंडली में बन रही राशि के अधिपति से श्रेष्ठ हैं। बस एक लाइन की तो बात थी, अब यहां पे देख लीजिए, तो यहां पे वर की कुंडली में राशि के अधिपति कौन बने, शुक्र बने, और शुक्र कौन से वर्ण के होते हैं, देखिए यहां मैंने लिखा है शुक्र और गुरु ब्राह्मण वर्ण के ग्रह होते हैं, बुध और शनि शूद्र वर्ण के ग्रह होते हैं, सूर्य और मंगल क्षत्रिय वर्ण के ग्रह होते हैं, और चंद्रमा एकमात्र वैश्य वर्ण का ग्रह होता है। तो अब यहीं पे बात खत्म, और वो बात इसलिए खत्म कि वर के राशि के
अधिपति ब्राह्मण वर्ण के बन गए और कन्या के राशि के अधिपति क्षत्रिय वर्ण के बन गए, यानी कि बात सीधी उलट गई। ऐसी स्थिति में विवाह हो सकता है और मिठाई खाई जा सकती है, तो मिठाई जल्दी बांटिए और इसको समझ लीजिए। बस इतनी सी बात थी। और एक बात और बताता हूँ, कभी भी दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा, कुंडली मिलान को लेकर के कभी भी किसी को गलत सलाह मत दीजिएगा, क्योंकि मैं एक दिन में 5 कुंडली देखता हूँ और 5 कुंडली में से 4 कुंडलियाँ मेरे पास विवाह की समस्या से ग्रसित ही आती हैं, विवाह की समस्या से ग्रसित ही आती हैं, और एक कुंडली जो आती है वो करियर को लेकर के आती है बस। तो मैं एक बात बताऊं तो अपने अनुभवों के आधार पर आपको एक बात कहता हूं कि कभी भी कुंडली मिलान में 1 से 2 लोगों को जरूर शामिल कर लेना चाहिए। किसी एक ऐसे ज्योतिषी से मिलवा लीजिए, फिर किसी दूसरे से भी मिलवा लीजिए, ताकि हो सकता है कि एक व्यक्ति जो वो चीज़ नहीं देख पा रहा हो वो दूसरा देख ले, क्योंकि विवाह करने जा रहे हैं। और जब तक ज्योतिषी हाँ ना कह दे तब तक भाई विवाह मत करो, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि समस्या बाद में जो बनती है वो बड़ी कष्टदायी हो जाती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ जाना चाहिए कि राशि के अधिपति अगर श्रेष्ठ हो रहे हो वर्ण में, इसलिए मैंने इनको यहां लिखा है कि कौन कौन से ग्रह वर्ण कौन कौन से आते हैं, और यहां पे ये बात देख लेनी है। बस इतनी सी बात थी। तब तक इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। जाने से पहले आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 2 अध्याय के 58 श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? कछुआ को देखा है, कछुआ जब उसके ऊपर से दबाव डाला जाता है तो वह अपने अंगों को समेट लेता है अपने खोल के अंदर और अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है किसी भी प्रकार के दबाव से बाहर निकल करके। मतलब वो जैसे ही आप उस पर प्रभाव डालते हैं वो अपने अंगों को समेट लेता है, और जैसे ही दबाव हटाया जाता है वो अपने अंगों को फिर से खुला छोड़ देता है। ये उदाहरण भगवान ने अर्जुन को दी है और कहा है कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित प्राप्त करना चाहता है या प्रतिष्ठापन्न करना चाहता है, उसे श्रेष्ठ बनाना चाहता है या इंद्रियों को वश में कर लेगा तो वो बात हो जाएगी। अपने इंद्रियों के फैलाव को, अपने इंद्रियों को संकुचित करके ही रखना चाहिए, उस पर आपका वश होना चाहिए, और मन पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। जैसे ही बाहर का प्रभाव पड़े आप खुद को संतुलित करने का प्रयास करो, जैसे ही प्रभाव खत्म हो जाए वैसे ही अपने पुनर्स्थिति में आ जाओ, पर इंद्रियों को लेकर के ये बात हमेशा ही संकुचित वाली ही होनी चाहिए कि आपकी इंद्रियों का प्रभाव आप पे ज़्यादा न हो, आप उस पे लगाम रख रहे हैं और कस के बैठे हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। ये विषय आपको कैसा लगा? और मुझे तो लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।